मैंने ये करके गलती तो नहीं की? नहीं नहीं, I'm sorry शरद. किस बात के लिए सुधा? तुमसे कुछ कहा नहीं, पूछा भी नहीं. सुधा, इसमें माफी मांगने वाली कोई बात नहीं है. मैं जानता हूं जब तक तुम किसी बात से कन्विंस नहीं होती हो तुम कभी नहीं करती. क्या तुम्हें लगता है कि बच्ची को घर लाकर तुमने ठीक किया? हाँ. तो ठीक है, मुझे सिर्फ इसी बात की चिंता है कि अब तक दोनों बच्चों की जिम्मेदारी तुम और बुआ मिलकर संभालते हो, अब ये तीसरी. वो तो हम एडजस्ट कर लेंगे. वैसे मदद करने के लिए बुआ भी है, आकांक्षा अनुष्का भी है. सुधा, आज तो तुम घर के सदस्य की तरह उस बच्ची की परवरिश कर लोगी, लेकिन कल को अगर चित्रा का कोई रिश्तेदार आ गया और उसने अपना हक जताने लगा तो मैं उसके पिता के अलावा उसे किसी को नहीं दूंगी. क्या? हाँ, और वैसे भी हम उसे ढूंढ लेंगे शरद. अगर तुम मेरे साथ हो ना तो मैं किसी से नहीं डरती. बस तुम्हें मेरा साथ देना होगा. हाँ माँ. बस तो मैं किसी भी मुश्किल का सामना कर सकती हूँ शरद. बस तुम मेरे साथ रहो. सब लोग मुझे शॉर्ट टेम्पर्ड कहते हैं ना, लेकिन सिर्फ तुम हो जो मेरी सारी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को एक्सेप्ट कर लेते हो. सुधा, एक दूसरे की कमजोरियों को समझना और उन्हें अपनाना ही रिश्तों के लिए सबसे बुनियादी बात होती है. तुम मेरी खामियों को एक्सेप्ट करोगी ना? मैं अगर अरे बेबी रो रही है, मैं अभी आई. गुड मॉर्निंग. मॉर्निंग. शरद, थोड़ी देर के लिए अखबार बंद करो और मेरी ओर देखो. क्यों भाई, तुम्हारे चेहरे पर कुछ लिखा हुआ है क्या? मेरे चेहरे पर लिखा है कि मेरा पति बहुत महान है. सुबह सुबह मैंने ऐसा कौन सा महान काम कर दिया जो मेरे इतने गुणगान किए जा रहे हैं? तुमने मेरे लिए, इस घर के लिए, यहां तक कि मेरे हर फैसले का जो साथ दिया है ना, वो मेरे लिए इतना है कि मुझे और कुछ नहीं चाहिए. तुम बस मेरे लिए ऐसे ही बने रहना. देखो सुधा, मैं तो जैसा था वैसा ही हूं, बल्कि कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि कहीं मेरे एफर्ट्स में ही कोई कमी तो नहीं रह गई. मुझे ऐसा कभी महसूस नहीं हुआ, बल्कि कल रात जिस तरह छुटकी को घर लाने के मेरे फैसले पर तुमने कोई एतराज नहीं किया, उसे देखकर तो मेरी नजरों में तुम्हारी जगह और भी बढ़ गई है. मेरी जगह तो सिर्फ एक पति की है सुधा, और मैं ये भी ठीक से निभा लूं, मेरे लिए यही बहुत होगा. नहीं, मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझती हूँ जो तुम्हारे जैसा पति मिल गया. बस तुम्हारे जैसे पति के साथ इस प्यार के लिए तो मैं जिंदगी कुर्बान कर सकती हूँ. कम ऑन सुधा, मुझे तुमसे कोई कुर्बानी नहीं चाहिए. अगर दे सकती हो तो. हाँ बोलो. रुक क्यों गए शरद? कल तुमने जो मुझे खुशी दी ना, उसके बदले में तुम मुझसे कुछ भी मांग सकते हो. बस वही मांगना जो मैं तुम्हें दे सकती हूँ. आखिर चांद तारे तोड़कर तुम्हें नहीं दे सकती हूँ. सुधा, अगर कभी जाने अनजाने मैंने तुम्हें कोई तकलीफ दी हो तो
उसके लिए मुझे माफ कर देना प्लीज। अरे तुमने तो ये सारी बातचीत को तो बिल्कुल सीरियस टर्न ही दे दिया। तुमने मुझे कोई तकलीफ नहीं दी है। अब ये छोटी छोटी बातें, उनके लिए तो हर पति पत्नी में झगड़ा होता है, और फिर इस तरह रूठने और मनाने से जो सुख मिलता है ना, तुम उसे क्यों भूल रहे हो? लेकिन सुधा, अगर कल को हमारे बीच कुछ ऐसा हो गया तो क्या तुम मुझे उसके लिए माफ कर सकोगी? तुम कल की चिंता क्यों कर रहे हो? हमें आज की चिंता करनी चाहिए। आज हमारा प्यार, हमारी ईमानदारी सलामत है ना, बस इतना ही काफी है। अरे कहाँ चल दिए? मुझे कॉलेज जाना है। अरे लेकिन अभी बहुत टाइम है शरद, और तुमने चाय भी नहीं पी, बैठो ना। आज ये पॉसिबल है कि हम कॉलेज से छुट्टी लें? क्यों? आज मुझे तुम पर बहुत प्यार आ रहा है, छुट्टी लेते हैं। छुटकी को भी यही समय मिला रहने के लिए। तुम यहीं बैठो ना, मैं उसे देखकर आता हूँ। सुधा एक काम करता हूँ, मैं निकलता हूँ, मुझे कॉलेज के लिए देर हो जाएगी। ठीक है तो फिर तुम चलो, मैं छुटकी का दूध वगैरह बुआ के साथ सारा इंतजाम करके कॉलेज पहुँचती हूँ। सुधा कुछ नहीं। हाय जय, गुड मॉर्निंग। हाय। अरे इस तरह क्यों देख रहे हो? मुझे पहले कभी देखा नहीं। नहीं, मुझे लगा था कि शायद आज तुम कॉलेज नहीं आओगी। तुम्हें देखा तो यकीन नहीं हो रहा है। अरे मैं कॉलेज क्यों नहीं आऊंगी? क्या शरद भी कॉलेज आया? हाँ, मुझसे पहले आ चुका है। लेकिन अचानक इतनी हैरानी क्यों? नहीं, हैरानी की कोई बात नहीं है। शरद मेरे पास आया था। तुम दोनों में कोई बात हुई? कैसी बात? ये घर परिवार की। जय, उससे कहीं ज्यादा परेशानी मेरे लिए थी। अब किसी भी बात को लेकर हम एक दूसरे को अंधेरे में तो नहीं रख सकते। इसका मतलब तुम दोनों में बातचीत हो गई? सिर्फ बात ही नहीं हुई, मैं छुटकी को घर ले आई हूं। क्या? हाँ, उसे लावारिस बनाकर कहीं फेंक तो नहीं सकते हैं। आखिर अब उसके लिए हम ही सब कुछ है ना। सुधा तुम वाकई बहुत अच्छी हो यार। शरद तुम जैसी पत्नी पाकर तो बहुत लकी फील कर रहा हो। उसे तो तुम्हें सामने बिठाकर तुम्हारी पूजा करनी चाहिए, तुम्हारी इबादत करनी चाहिए। तुम महान हो यार। नहीं नहीं, तुम गलत कह रहे हो। महान मैं नहीं हूं, महान शरद है। मैं समझा नहीं। हाँ, ये तो मेरी किस्मत अच्छी थी कि मुझे शरद जैसा पति मिल गया जाए, वरना ऐसे मौकों पर तो लोग बात का बतंगड़ बना देते हैं, है ना। मैं तो बहुत घबरा रही थी कि छुटकी को घर लाकर इस तरह शरद बिगड़ ना जाए, लेकिन उसने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया। सुधा तुम में और शरद में चुटकी के फादर को लेके कोई बात हुई? हाँ हुई ना,
नहीं मेरे ख्याल से, खैर छोड़ो, तुम क्या कह रही थी? जय, मैं जानती हूं कि छुटकी को लेकर शरद को भी मेरी तरह परेशानी हो रही थी। आखिर उस नन्ही सी जिंदगी के साथ हम आपस में झगड़कर खिलवाड़ तो नहीं कर सकते। अब छुटकी घर आ गई है, हम उसे अच्छी तरह से पालेंगे। मुझे शरद से ये उम्मीद नहीं थी, लेकिन अब मैं बहुत खुश हूं, बहुत खुश। ये तो वाकई खुशी की बात है। सुधा, रिश्तों की कद्र करना, उसकी इज्जत करना कोई तुमसे सीखे। खैर तुम बैठो, मैं शरद से मिल के आता हूं। अच्छा। शरद, तू यहां बैठा है? तूने तो कमाल कर दिया, आई जस्ट कांट बिलीव इट। वैसे तूने क्या जादू कर दिया सुधा पर कि वो सब कुछ सुनने के बाद इतनी रिलैक्स रही? कैसे मैनेज किया तूने? सुधा को तूने ये बताकर मेरे मन का बोझ हल्का कर दिया। आई एम प्राउड ऑफ बोथ ऑफ यू, जिस तरह से, जिस समझदारी से तुम लोगों ने सिचुएशन को टैकल किया। मुझे आज पता चला कि एक पति पत्नी के बीच ईमानदारी की क्या कदर होती है। ये तू क्या बातें कर रहा है? मेरी बात सुन, मैंने सुधा को अभी तक कुछ नहीं बताया है। क्या 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 कहा है तूने? हाँ जय, मैं कल सुधा से कुछ कह नहीं पाया। तूने सुधा को ये सब कुछ नहीं बताया? फिर वो, मुझे लगा था कि तूने सब कुछ बता दिया। मैं कल जब घर पहुंचा तो सिचुएशन ऐसी थी कि... क्या सिचुएशन थी कि तू बता नहीं सका, या तो बताना नहीं चाहता था? रात भर टेंशन के मारे मैं सो नहीं पाया था। जय, मेरी बात का यकीन कर, तुझसे बात करने के बाद मैंने ये तय कर लिया था कि घर जाते ही सुधा को सब कुछ बता दूंगा। जैसे ही मैं घर पहुंचा तो उसने मुझसे कहा कि वो बच्ची को हॉस्पिटल से घर ले आई। मेरे कुछ भी कहने से पहले वो मुझे खुद सॉरी कहने लगी, ये सोचकर कि मैं इस बात से नाराज ना हो जाऊं कि वो बच्ची को घर क्यों ले आई है। उसे इतना खुश देखकर, उसका ये रवैया देखकर मेरी तो जबान ही नहीं खुली जाए। तभी मैं सोचू कि वो इतनी रिलैक्स क्यों थी। तुझे रिएक्ट ना करते हुए देखकर शायद वो ये समझी होगी कि उसकी शादी किसी संत या महापुरुष से हो गई है जो कभी रिएक्ट ही नहीं करता है। घर मैं चलता हूं, मेरा लेक्चर है। लेकिन एक दोस्त के नाते मैं तुझे फिर एक एडवाइस करना चाहूंगा, जितनी जल्दी हो सके इस तूफान को रोक ले, वरना इसका अंजाम क्या होगा कुछ पता नहीं। इस तूफान को तो मैं भी रोकना चाहता हूं जय, मगर कैसे नहीं जानता। हेलो। हाँ जी, बुलाता हूँ। मैडम, आपके लिए फोन है। हेलो। देखिए, चित्रा जिस बैंक में काम करती थी, मैं उस बैंक का ब्रांच मैनेजर सतीश राणे बोल रहा हूँ। हाँ मिस्टर राणे, कहिए। सुधा जी, चित्रा जी की डेथ की खबर सुन के मुझे बहुत धक्का लगा है। पहले तो मुझे यकीन ही नहीं हुआ कि ये खबर गलत है या सही। हाँ, इनफैक्ट मिस्टर राणे, हमें तो आज भी ऐसा लगता है कि चित्रा अभी आ जाएगी, बस कुछ ही दिनों के लिए कहीं चली गई है। काश ये सच होता। चित्रा जैसे एफिशिएंट और स्मार्ट वर्कर मिलना बहुत मुश्किल है, हमारा सारा स्टाफ उसे मिस करता है।
वो वाकई थी ही ऐसी, बस कुछ ही समय में सबसे घुल मिल जाने वाली। जाने वाले चले जाते हैं और पीछे छोड़ जाते अपनी यादें, और यही यादें हमें तड़पाती रहती हैं। और चित्रा की सबसे बड़ी याद वो मासूम बच्ची है मिस्टर रानी। हाँ, वो बच्ची कैसी है? वो एकदम ठीक है। सर जी, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। बताइए, आप कब आएंगे हमारे बैंक में? क्यों, कोई खास बात? चित्रा का कुछ पैसा हमारे बैंक की स्कीम में है और उस फॉर्म में ये भरा है कि ये पैसा उसे दिया जाएगा जिसके पास वो बच्चा होगा। और हमें हॉस्पिटल से ये पता लगा है कि वो बच्चा आप अपने साथ घर ले आई है। तो एक बार हमारे बैंक में आ जाइए और वो पैसा ले जाइए। मैं आपसे क्या बोलूं मिस्टर रानी, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। सुनो जी, एक बार आप हमारे बैंक में आ जाइए, कुछ फॉर्म्स पे साइन चाहिए। बताइए कब आएंगे आप? कल शाम कॉलेज के बाद आ सकती हूँ। ओके, फाइन। ओके, बाय।